हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्पाइस बॉक्स। आज हम आपके साथ मौंज अचार की रेसिपी शेयर करेंगे। मौंज को कड़म या फिर नोल खोल भी बोलते हैं। आज मैं 2 किलो मौंज का अचार बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो मोटी वाली जो इसकी स्टेम्स हैं, इसको आप हटा दीजिए, और जो बहुत टेंडर स्टेम्स हैं यूजली ऑन द टॉप ऑफ द वेजिटेबल, वो आप रख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको ये वेजिटेबल थोड़ी सी डर्टी या ब्लैक लग रही हो, उसको आप कट कर दीजिए, और जो इसका बेस है वो भी आपको काटना है। देखिए, जहाँ जहाँ ब्लैक है वो सारा हम हल्के से कट कर देंगे या स्क्रेप ऑफ कर देंगे। कड़म साफ हो चुकी है, अब आप इसके बड़े बड़े पीसेस काट लीजिए। अगर कड़म बीच में से वाइट है, इसका मतलब ये बहुत ही फ्रेश है और खाने में टेस्टी है। अगर इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट या आपको थोड़े से रेशे दिख रहे हैं सेंटर में, इसका मतलब ये फ्रेश नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अचार के लिए यूज़ ना करें। अब जो हमने पत्ते अलग करे थे, उसकी स्टिक्स तो आप काट लीजिए, और जो पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनके 2-3 पीसेस कर लीजिए, ताकि खाने में आसानी हो। के पत्तों को आप बहुत अच्छी तरह चेक कर लीजिए, ताकि कोई इंसेक्ट्स ना हो। और उसके बाद इस वेजिटेबल को बहुत अच्छी तरीके से धोइए 3-4 बार, ताकि जितनी भी इसमें मिट्टी हो वो हट जाए। अब कड़म को एक कपड़े से या टाल से पोंछ लीजिए, और इसको सन ड्राई करने के लिए धूप में रख दीजिए। ध्यान रखिए, हमें इसे कम्प्लीटली डिहाइड्रेट नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है और थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, बस इतना ही करना है। If you are new to our channel या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब तक कड़म धूप में सूख रही है, थोड़ा सा टाइम निकालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फटाफट नोट कर लीजिए हमें किन मसालों की ज़रूरत है अचार डालने के लिए। तो खड़ा मसाला है, उसको हमें बहुत ही रफली ग्राइंड करना है, ताकि थोड़ा सा बीज जो है वो टूट जाए। रफली ग्राइंड करने से जो मसालों का फ्लेवर है वो थोड़ा सा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक बड़े बर्तन में या परात में जो कच्चा सरसों का तेल है वो डाल दीजिए, और उसमें जो हमने ये ग्राइंड किया था मसाला, उसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। साथ ही हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ध्यान रखिए, कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च में फ़र्क होता है। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करें। और इसमें डालिए नमक। नमक अचार में वैसे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। इन सारे मसालों को तेल में बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर कहीं आपको गांठ लग रही है या लम्स लग रहे हैं, तो उसको तोड़ लीजिए, ताकि ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए और लम्स कहीं ना रहे। एक पीस मौंज का डाल के चेक कर लीजिए कि रंग कैसा आ रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इस पीस पे, तो ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अब जो हमने मौंज या कड़म सुखाई थी, उसको आप इसमें ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, टू इंश्योर कि मसाला हर जगह लग जाए। हम इस मौंज अचार को ग्लास बॉटल में या सिरेमिक जार्स में एयर टाइट करके धूप में रख देंगे पकने के लिए। आप चाहें तो इस अचार में साबुत कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हफ्ता हो चुका है और अचार धूप में पककर बिल्कुल तैयार है। आइए अब इसे खोल के देखते हैं। देखिए, अचार बहुत ही टेस्टी बना है और काफी क्रंची है, क्योंकि हमने इसको हल्का सा सन ड्राई किया था, तो आपको हर बाइट में वो क्रंच सुनाई देगा।
मार्केट के जो अचार होते हैं वो बॉईल करके या विनेगर डाल के बनाते हैं तो उससे फ्लेवर ख़राब हो जाता है। आप इस तरीके से घर पे बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।